तो ये धन नहीं मिलता। और धन भी मेरा जातो पुत्र का है। सजनों जे पुत्र भी मिल जा तो ये सुख नहीं मिलता। और सुख भी मिल जा तो जीवन है। साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति जहां तक मेरी आवाज जाती हो, सबसे पहले सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है। आज का ये प्रोग्राम भाई विकास के सौजन्य से इस गांव में, हमारी नगरी में, भाई के सौजन्य से हुआ है। इतनी मूर्तियों के दर्शन हुए, इतने बुजुर्गों का, चाचा ताओं का सत्संग हुआ है। जैसा कुछ गाना बजाना आप लोगों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने सिखा है, बताया है, भांगा ला के सुनाने की कोशिश करेंगे। मेरे से पहले मेरे छोटे भाई नरेंद्र गांधी ने बहुत बढ़िया बात मीरा के किस्से से, दादा लक्ष्मीचंद की सत्संग रूपी बात सुनाई है। सबसे पहले कोई काम करने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी होता है। पंडियों ने परम ज्ञान से वसन बनाया है गौ माता। कई चीजें हमारे पूजने योग है हिंदू धर्म में, गौ माता, धरती माता, भारत माता और जननी माता। तो गौ माता का भजन मना है। गौ माता थी जो पैर से अपाज थी, लंगड़ी थी, भगवान के ऐसे करने हैं कि गौ नए दूध हो जाती है। कुछ दिनों में एक बछड़े को जन्म दिया, बछड़ा पलता है, जब दो तीन महीने की आयु में होया, अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मेरे ये कितने बहन और भाई हैं, सब जंगल में हरी हरी घास चरने के लिए जाते हैं, फिर तू क्यों नहीं जाती। गौ माता मुस्कुराती है, कहती है बेटा मैं पैर से अपाज हूं, लंगड़ी हूं। बच्चा हट पकड़ लेता है, बछड़ा जिद कर लेता है, राज हट, घोड़ा हट, तिरिया हट और बाल हट, राज हट, तैयार हट, पंडियों ने बहुत तगड़ी बताई है। अपने बच्चे की हट देखती हुई गौ माता तैयार हो जाती है। जंगल के माचर में चल ली गौ माता की लार, पांच सात दस बछड़े बछड़ी भाई कैया का परिवार, गहरे जंगल ब्यावान में सजनों पहुंच जाते हैं। शाम का टेम है, वो जंगल का राजा शेर आकर दहाड़ता है, धड़ूक मारता है, बछड़े और बछड़ी तो सब भाग जाते हैं। लंगड़ी गौ हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और शेर से कहती है भाई मैं जानती हूं तू जंगल का राजा है, तेरे को भूख लगी है। भूख का और मौत का सजनों एक ही दर्जा बताया है। पंडियों ने यहां ब्रह्म ज्ञान से एक बात बनाई है, एक भजन बनाया है। कैसे, क्या कहा, क्या बताया। आदरणीय बड़े भाई प्रताप सिंह 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। सोरण भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, जब सोरण जी धन्यवाद। और एक बात के द्वारा यहां भजन बनाया पंडियों ने, कैसे दर्शाया, क्या कहा। हमारी आदरणीय जिला पार्षद भाई विकास की मम्मी ओंकली देवी, मलखान सिंह की धर्मपत्नी, हमारी ताई जी 500 रुपए से पार्टी को हौसला बधाई करती है, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय चेयरमैन साहब करनावल से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। हमारे आदरणीय बड़े भाई जगमेल डॉक्टर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद।
आदरणीय बड़े भाई राजवीर डायरेक्टर साहब सनम रतन सिंह प्रधान जी, 100 रुपये में भी अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। क्या कहा, क्या बताया? सम्मान करते हैं धन्यवाद। सतपाल हरिजन मेरे भाई मेरी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं धन्यवाद। आदरणीय सुहास भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं धन्यवाद है। नंबर 2 पर कैसे, क्या बता, क्या कहा?
भाई चंद्रपाल लोहारी निवासी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। बड़े भाई बदला हरिजन जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। नंबर 3 पे एक प्रमाण दिया पदजियों ने, सत्काम का एक सत्काम ब्राह्मण का लड़का था, उसका प्रमाण दिया, सुने हो कैसे क्या कहा हो। बड़े भाई मंगेराम डायरेक्टर साहब 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या कहा बड़े भाई बटेश्वर लोहारी निवासी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई यादराम ढोलू बच्चा 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। बोल रहे प्रधान जी बड़े भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। सम्मान करते हैं, धन्यवाद। मनोज और जितेंद्र दोनों प्रेमी दोनों भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। ये बड़े भाई सुदेश सनम महावीर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। खटाना निवासी बलि पहलवान 51 रुपए से पार्टी को हौसला अफजाई करते हैं, इनका भी धन्यवाद। जवानी पहरे में मैं टांग तुड़वाई खाई से कूद कर फिर भी ज्ञान नहीं है, लंगड़ी हुई एक बछड़े को जन्म दिया, अरे फिर भी ज्ञान नहीं है, उसकी बात मान कर मैं यहाँ तक आई हूँ, बन तक इस जंगल में आई हूँ, मेरी बात सुन, अरे तू तो ज्ञान कर। क्या बताते हैं, क्या कहा, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ रे, ये तो मेरे सोचा you
आप लोगों ने एक भजन सुना है,